हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं अपने कॉलेज और आज है गेस्ट लेक्चर, तो मैंने सोचा कि इस पे एक ब्लॉग बना लिया, इसलिए मैं एक ब्लॉग बना रहा हूं अपने कैंपस का और अपने कॉलेज का। तो आज गेस्ट लेक्चर है, तो 10 बजे से स्टार्ट है, तो मुझे पहुंचना है पहले क्योंकि वहां पे बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है। तो चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए। और ये देखिए, ये सामने मैं रास्ते में हूँ अभी। यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक लेफ़्ट की साइड, एक राइट की साइड। राइट की साइड जो है वो मेन कैंपस इंटीग्रल का है और जो लेफ़्ट साइड है वो फार्मेसी वाला कैंपस है। तो मुझे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, तो मुझे लेफ़्ट वाले साइड में जाना है। तो भाई ये है कि थोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन भाई अच्छा भी है। जब से रूम चेंज किया हूँ मैंने, अप्रॉक्सीमेटली मैं 15-20 किलोमीटर चल चुका हूँ। ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं चलता चलता नहीं था भाई, बहुत डिपेंड हो गया था बिल्कुल स्कूटी पे। और जब से मैंने ये रूम चेंज किया, तब से जो है मेरी जो वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ी बढ़ गई। और मेरी, समझ लीजिए, ऐसे ही मेरा एक्सरसाइज भी होता है। वैसे एक्सरसाइज भी नहीं करता था, और अब क्या है कि चलता हूँ तो एक्सरसाइज भी हो जाता है और एक वॉकिंग भी हो जाती है, और थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा भी है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा यू नो वर्क प्रेशर है यार। रिसर्च चल रहा है और रिसर्च वर्क प्लस थीसिस बनाना है और प्लस रिव्यू आर्टिकल भी लिखना है। और भाई चूहे आ गए यार, बहुत मोटे मोटे चूहे हैं यार, इतने मोटे चूहे मैंने कभी नहीं देखे। और मेरा पूरा जितना रिसर्च वर्क है सब चूहे पे, मतलब रेट्स पे है भाई। अब चूहा नहीं बोल दूँगा, रेट्स बोलूँगा भाई, थोड़ा आकवर्ड सा लगता है। और रेट्स पे है तो वो है SD रेट। तो डिफरेंट टाइप के रेट्स होते हैं, उन पर प्रयोग किया जाता है। पहले उन्हीं पे प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बड़े एनिमल पे होता है। इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वो आप जाके इसको चेक देख सकते हैं। तो थोड़ा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है यार, और बाकी सब सही है यार, जो भी है ठीक है। हंसते रहे, हमेशा खुश रहना चाहिए, और खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, चीज़ों को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मुड़ना है, ये जो गली टाइप का रोड है, यहीं से मैं, यहीं के अंदर, इसी के अंदर मेरा कैंपस है फार्मेसी का। ये देखिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल, पढ़ लीजिए आप स्क्रीनशॉट करके। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, तीन ब्रांचेज है यहाँ पे। वकील साहब लोग भी यहीं पे पढ़ते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर
जब है तो एग्रीकल्चर से देख लीजिए सब कितने सारे नेचुरल चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए भाई, ये बेर जो है ना, बेर ये सब ठंडी में ना, जब फेब के टाइम ये सारे बेर के पेड़ होते हैं ना, बेर लगती है इसमें, बहुत मीठे होते हैं। मैं भाई खाया हूँ, इसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा। जब अभी तो ठंडी स्टार्ट नहीं हुई, जब ठंडी आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। और भाई ये जो मकान है ना, मकान बहुत शानदार है। ये भी पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन बच्चे अभी से यहाँ पे रहना स्टार्ट हुए हैं, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रेंट पे लेकर रह रहे हैं। लेकिन ये बनेगा जब पूरा ना, ओ भाई बुलेट, जब ये बनकर तैयार होगा ना, आप खुद ही देखिए भाई कितना शानदार मकान है। और अभी ये पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुई, इस पर स्टे लग गया है, कोई केस चल रहा है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स रह रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ इसमें रूम लेने के लिए, लेकिन एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे रूम खाली नहीं है। अगर यहाँ पे मैं रूम ले लेता तो ये देखिए, ये मेरा कैंपस है बगल एकदम, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन यार आया था यहाँ पे मैं, लेकिन रूम मिला नहीं, खाली नहीं मिला। तो चलिए चलते हैं भाई कैंपस। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप के, हाँ यादव जी, ये भाई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हम आते हैं यादव जी के यहाँ हमेशा, इंटीग्रल से जस्ट करीब में है, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये कि ये नया रेस्टोरेंट खुला था, लेकिन ये शायद बंद हो गया, अब बंद हो गया ये। लेकिन ये जो है बहुत पुराना रेस्टोरेंट, जब मैं यहाँ पे आया था नया नया तब से ये भाई, और अच्छे से इसको मेंटेन भी कर दिया, पहले इतना अच्छा से नहीं था, इस्टेब्लिश कर दिया। चलिए मैं आपको इसको भी विज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको यादव जी का रेस्टोरेंट। इसके यहाँ के ये मालिक हैं, इतने छोटे मालिक। और ये देखिए भाई, ये जगह है बैठने वाली, वो यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ एनिमल हाउस में, जो हमने हमारा जो रिसर्च वर्क है उसमें रैट्स को हमने जो दवा दी थी, अब उसका ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना है, तो
क्योंकि मेरा रिसर्च जो है एंटी डायबिटिक एजेंट का है, तो उनको हमने उनके अंदर शुगर इंड्यूस कर दिया था स्ट्रेप्टोजोडोसिन के थ्रू। आप रिसर्च कर सकते हैं स्ट्रेप्टोजोडोसिन इंड्यूस डायबिटीज़। तो उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ भाई चूहों के अंदर टेस्ट करने। बाकी अंदर तो अलाउड नहीं है भाई, वो अंडर द CPC ऐसे गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। बाकी ये दिखा सकते, ये है एनिमल हाउस, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, बस इतना आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता, सॉरी उसके लिए। मिलते हैं भाई उसके बाद, आज गेस्ट लेक्चर भी है। तो गाइज हम लोगों ने ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया और डायबिटीज़ इंड्यूस हो चुका है चूहों के अंदर, यानी कि रेट्स के अंदर। तो अब क्या करना है, अब उसको हमें दवा देनी है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। अब हम लोगों ने कर लिया, अब इसको बंद कर दिया भाई, अब जिसका काम होगा वो जाएगा, हमारा काम हो गया। अब हम जा रहे हैं भाई अपने गेस्ट लेक्चर के लिए, तो मिलते हैं भाई गेस्ट लेक्चर में। अगर अलाउड होगा मोबाइल तो मैं आपको दिखाऊंगा, और अदरवाइज सॉरी भाई।